हेलो फोक्स, यू आर वाचिंग स्पोर्ट्स चाहेगा, दिस इज अनुज खेई। किताबों में भले ही हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल कहलाता हो, लेकिन 125 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले देश में क्रिकेट लोगों के लहू में बहता है। कुछ लोग इसकी एक वजह बड़े टूर्नामेंट में भारतीय हॉकी टीम का खराब प्रदर्शन भी कहते हैं, लेकिन कल का जो दिन रविवार का भारतीय समर्थकों के लिए रहा, कहना पड़ेगा कि ओलंपिक्स में भारतीय टीम के लिए बहादुरी का दिन था। पीवी संधू ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया, वहीं इंडियन मेंस हॉकी टीम ने ग्रेट ब्रिटेन को हराकर साल 1972 के बाद सेमीफाइनल में जगह बनाई। कल का दिन हम सभी के लिए इमोशनल था, लेकिन उससे भी ज़्यादा इमोशनल तो हम तब हो गए जब हमने हिंदी कमेंट्री कर रहे सुनील तनेजा और सिद्धार्थ पांड्या को भावुक होते हुए देखा। जी हाँ, दोनों ही कमेंटेटर्स जो है काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए, और मैच के जो आखिरी पल थे, यानी जब आखिरी बार फाइनल सीटी जो है रेफरी ने बजाई, तो दोनों ही कमेंटेटर्स काफ़ी ज़्यादा इमोशनल नज़र आए, रोने लगे, आंसू जो थे वो रुक नहीं रहे थे, और दोनों ने एक दूसरे का हौसला जो है रोते रोते बढ़ाया, और ये दिखाता है कि क्या ये जीत जो है इसके मायने क्या थे। इतने सालों बाद हमको ये जीत मिली है, 1972 के बाद जो है 2021 में भारतीय टीम को खुशी मनाने का मौका मिला अगर हॉकी की बात करें। और सुनील तनेजा को तो आप ये कह सकते हैं कि भारत की आवाज़ कहा जाता है, जिस तरीके से ओलंपिक्स को इतने सालों से कवर कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल मोमेंट सभी के लिए था। आज भारतीय वुमेंस टीम ने भी ऑस्ट्रेलिया को हराकर जो है सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। तो ओवरऑल चक दे इंडिया हम हमेशा से कहते आए हैं, फिल्मों में अक्सर हमने सुना था, लेकिन अब रियल लाइफ में चक दे इंडिया देखने को मिल रहा है। कबीर खान जो है, शाहरुख खान ने वो रोल निभाया था कोच का, लेकिन अब कोचिंग को लेके भी आप ही कह लीजिए कि जो भारतीय वुमेंस टीम के कोच हैं, साथ ही साथ भारतीय मेंस टीम के जो कोच हैं, वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा प्राउड फील करा रहे होंगे इस वक्त, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था भारतीय टीम के लिए वापस से हॉकी को ज़िंदा करना। जितने भी दर्शक हमेशा से हम एक स्पोर्ट को लेके क्रेज में रहते हैं कि ठीक है क्रिकेट के लिए जो है लगातार आपको उत्साह देखने को मिलता है, लेकिन अब जब भारतीय हॉकी टीम भी बड़े टूर्नामेंट्स में अच्छा करेगी, और अगर हम गोल्ड मेडल जीत जाते हैं, तो आप मान के चलिए कि आगे आने वाले जो साल हैं उसमें और टैलेंट आपको हॉकी में देखने को मिलेगा, सरकार की तरफ से भी और आपको इनिशिएटिव्स देखने को मिलेंगे। उम्मीद करेंगे कि आने वाले वक्त में ऐसी जीत भारतीय टीम को मिलती रहे, और अगर इमोशनल ही हमको इस तरीके से होना है तो हम बहुत बार इमोशनल होना चाहेंगे। ये आंसू जो हैं खुशी के, ये प्राइसलेस हैं, ये इनका कोई तोल मोल नहीं है। और अगर ओलंपिक्स में हमारी टीम ने 4 चांद लगा दिए, गोल्ड मेडल हमने जीत लिया, तो आपको कहना पड़ेगा कि आने वाले सालों में जो क्रेज़, जो उत्साह हमेशा से क्रिकेट के लिए रहता है, हॉकी के लिए भी उतना ही होगा जब भारतीय हॉकी टीम मैदान पर उतरेगी। फिलहाल इजाज़त दीजिए, अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और साथ ही साथ स्पोर्ट्स टाइगर को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए।